आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। आप सोच रहे हो आज अनमोल कनिका एक साथ मेरे रूम में इतना कंटिन्यू कैसे हैं, तो रीज़न ये है कि आपको सारे शॉट्स में अनमोल और कनिका दोनों साथ में देखने को मिले होंगे। बट मोस्टली क्या होता था कि कई बार मैं अकेले गेट रेडी विद मी कर लेती थी या कुछ इस तरह की वीडियोज़, बट आज घर में कुछ काम लगा हुआ है इस वजह से अनमोल एंड कनिका दोनों ही मेरे रूम में ही है, वरना अनमोल रहता है दादी के रूम में। और मैंने ये निकाला डब्बा कि मैं इससे हार्ट शेप की कुछ हार्ट्स कटिंग करूँगी, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसा क्राफ्ट करने वाली थी जो कि थोड़ा जल्दी से हो जाए, क्योंकि अनमोल है साथ में तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि ज़्यादा टफ वर्क कर पाऊँ। तो मैंने ये डब्बा तो निकाल लिया बहुत प्यार से और सब शूट वूट कर ही रही थी कि अनमोल की नज़र पड़ गई उस डब्बे पे और अनमोल ने मुझसे वो डब्बा छीन लिया और मुझे नहीं दिया। फिर लास्ट में देखो ना मैंने कैसे जुगाड़ से पेंट से ही हार्ट्स भी वहाँ पर बनाए हैं। और इसके साथ ही ना बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस हैं मुझसे कि अनमोल शादी के कितने साल बाद हुआ है और कैसे क्या, बहुत सारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगी, सारा कुछ बताऊंगी। तो आप लोग जरूर, और जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से उनके बेबी हो जाए, तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि घर में बच्चों से ही रौनक होती है, हमारे अभी बच्चे नहीं है, हमारी शादी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो सभी धैर्य रखो और इस वीडियो को ना बहुत धैर्य के साथ देखना। इसके साथ ही मैं कभी भी कुछ भी काम करने चलूँ अनमोल भी आ जाता है कि मैं भी करूँगा और मेरा हाथ पकड़ के खड़ा रहा है जितने देर मैंने ये कलर किया है उतने देर। और साथ में आप जाके शॉर्ट्स देखना अनमोल ने इसमें क्या क्या ड्रॉ किया। अनमोल से भी मैंने थोड़े से पेंट करवाए हैं और अनमोल को भी बहुत मज़ा आता है कलर करने में। उसको दे दिया जाए ना अगर पेंट ब्रश तो वो पूरा घर भर दे, दीवार भर दे। और मैं बस यहाँ से अब निकल रही थी कि चलो आप कुछ दूसरा वीडियो शूट करते हैं, लेकिन तब तक मैं अनमोल ने क्या रायता फैला दिया ना मेरे कमरे में, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और मैं उसी में आधे घंटे उलझी रह गई सारा साफ करने में। ये पूरा मेरा पन्नी था, उसमें क्राफ्ट के सारे सामान थे, सब उलट दिया और उलटते ही बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको चश्मा मिली। और चश्मा को चश्मा नहीं, ततमा ततमा बोल रहा है। चश्मा लगा के दिखा दो, देखो तपना लगा के दिखा, ततमा क्या है ये? तपना है। तपना क्या होता है? लगा के दिखाओ, लगा के दिखाओ, होता। लगा के दिखाओ ना, लगा के दिखा। सीधा सीधा, अरे वाह, ओ मैंने काला चश्मा है। ये देखो, ये मेरा कुछ क्रिएटिव थी जो कि मेरा फेवरेट क्रिएटिव थी है ये। छोटू सा बेबी अनमोल, ये कैसा है छोटू बेबी, ये कौन है? ये जब कनिका पेट में थी तब मैंने बनाया था। और ये बाबू है छोटा सा। कौन सा छोटा सा? ये देखो मैं, अच्छा एक मिनट क्या बोल रहे हो? अब बोलो फिर भी बना दो तब ना। कौन सा वीडियो वाला बना दे? वाला तपना वाला वीडियो बना। पहनो के तपमा तब ना। तपमा क्या होता है? तपमा, अरे वाह, और मैनु काला चश्मा। मैं काला तपना वाला बना दू। लो ना, तो काला तपमा वाला ही तो बना रहा है। बना ना, वही तो बन रहा है वो नहीं। अच्छा गाना पे बना दे, हम गाते है ना, तुम डांस करो। मैनु काला तपमा वाला गाना लगाए। बस तो मैं यही बच्चों को लेके जा रही थी ना अनमोल को वैक्सीनेशन लगवाने और कनिका को थोड़ा सा दिखवाने, क्योंकि उसको भूख नहीं लग रहा है। तो मैं एक गेट रेडी विद मी शूट की हूँ, एक हेयर स्टाइल भी यहाँ शेयर की हूँ, आप लोग शॉर्ट्स में जाकर देख लेना, वो अपलोड हो चुका है। और इसके साथ पापा जा रहे हैं रेडी होने के लिए और दोनों बच्चे बाहर निकल जाए, इसलिए पापा ने दरवाज़ा आपने देखा होगा वहाँ से आए और बंद कर दिया बाहर से, क्योंकि ना मम्मी अभी घर में नहीं, बाहर साइड सफाई कर रही हैं, क्योंकि जो मार्बल का काम लगा था आपको बताया था ना मैंने कि घर में कुछ काम चल रहे हैं, तो वो सब साफ़ करने में बाहर निकली हुई थी। तो अनमोल इधर उधर ना भाग जाए इस वजह से, और पापा जा रहे थे छत पे शाम के समय कपड़े लाने के लिए। तो मैं रेडी कर देती हूँ इन दोनों बच्चों को, और अनमोल तो मतलब चश्मा का दीवाना ही हो गया है। चलो तैयार करते हैं और मिलते हैं तैयार करने के। तो आज टाइम की कमी की वजह से हमने सिर्फ ये बनाया है, सिर्फ। और आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ा सा टेक्सचर भी दिया है हमने इसमें, और हम सोच रहे ना कि इतना ब्लैक व्हाइट कलर का पांडा होता है और उसके आसपास ना ग्रीन ग्रास बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा कई बार, तो वो बनाने का सोच तो रही हूँ, लेकिन इस बोर्ड के आसपास नहीं, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा ना, ये बस एक ही सिंगल अच्छा लग रहा है, दूसरे साइड जो बोर्ड है ना वहां बनाएंगे। आप लोग सजेस्ट करना कि क्या वो सही रहेगा, तो बताना तो मैं बनाऊंगी। ये रहा रेडी हो गया हमारा बच्चा, सब सब बच्चे रेडी हो गए। हाँ सब बच्चे रेडी हो गए। मैं तो रेडी हूँ। टीका, आज अनमोल का वैक्सीनेशन है।
तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उन लोगों के सवाल हैं कि अनमोल कनिका शादी के कितने साल बाद हुए हैं। इसके साथ ही जो पहले से जुड़े हुए जिन्हें पता है कितने साल बाद हुए उनके ये सवाल हैं कि आपका, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है मेरा एक मिसकैरेज हुआ था तो कैसे हुआ क्या हुआ, तो फिर मैं आपको सब कुछ सोची कि अभी बताती हूँ क्योंकि साथ में चलते हैं, दिखाते भी चलते हैं और आपके साथ ये वाली जो मेरी जर्नी है वो भी शेयर कर लेते हैं। तो क्या हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों की जो क्वेश्चन है ना कि कितने साल बाद हुआ अनमोल, तो अनमोल जो है हमारा 5 साल बाद हुआ है शादी के और कनिका जो है वो 7 साल बाद हुई है और अब हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं। इसके साथ ही अब मैं आपको बता दूं कि मिसकैरेज से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं लोगों के, तो मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी मतलब जो हमारा मिसकैरेज है तो वो मेरी शादी के 3 साल बाद फर्स्ट बेबी जो था 5 मंथ का, तो वो मिसकैरेज हो गया था। थोड़ी सी खुद की भी लापरवाही थी कि हमें मतलब प्लेसेंटा प्रीविया था तो उसमें क्या था ना कि बेड रेस्ट करना था और हम स्कूटी से हॉस्पिटल जाते थे तो थोड़ा सा वो दिक्कत हो गया था कि हमें ना 4-व्हीलर से अब गाड़ी वगैरह प्रेफर करना चाहिए था, बट थोड़ी सी हमारी लापरवाही हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हमें भगवान जी ना सीधा सीधा रास्ता दे देते हैं चलने के लिए, जब हम उस सीधे रास्ते पे नहीं चल पाते हैं और आँख बंद करके कहीं आगे निकल के खड़े हो जाते हैं फिर वापस पीछे आके और सब कुछ सही करने का मौका ना नहीं होता है, तो ऐसे ही कुछ हो गया था हमारे साथ भी। यही कारण है कि अनमोल या कनिका को थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, हम तुरंत ले जाके दिखवा लेते हैं और लेट नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ समझ लिया है कि जो रास्ता हमें सीधे सीधे चल के आँखें खोल के चलना है बच्चों के साथ और बच्चों के लिए जो भी चीज़ें हैं ना सारी इकट्ठी करते हुए चलते चलनी है। अगर आँख बंद करके रास्ता पार कर दिया ना बच्चों को लेकर के, तो फिर पीछे जाकर कुछ भी लेने का, कुछ भी बटोरने का, चीज़ें ठीक करने का कोई मौका नहीं मिलने वाला है दोबारा। फिर तो वही हो जाएगा ना, सीधे रास्ते से नहीं चले हैं और जो दूसरा रास्ता है वो गड्ढे वाला, कीचड़ वाला है, उसमें कूद फांद के चल रहे हैं। तो बस ये यही कारण है और आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा पहला बच्चा कितने साल बाद हुआ, दूसरा बच्चा कितने साल बाद हुआ, इसके साथ ही मेरा मिसकैरेज कैसे हुआ था। और वो मिसकैरेज कुछ ऐसा था ना कि 5 महीने का 5th मंथ में हुआ था, तो थोड़ा सा उस वक्त बेबी ना पेट में चलना वगैरह शुरू कर चुका होता है, तो मैं रात में सोती भी थी ना, तो सपने में ऐसा लगता था कि मतलब मिसकैरेज नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और कई बार में मैं चीख के उठ जाती थी और फिर मैं ऐसे मतलब इतना अंदर से वो होता था ना कि मुझे तो मतलब 5 मंथ वाला बेबी ही चाहिए और फिर वहाँ से मेरा जर्नी कंटिन्यू होना चाहिए प्रेगनेंसी का, बट नहीं होता है ना। मैंने क्या कहा, पीछे जाके चीज़ें कुछ भी ठीक करने का मौका नहीं होता है, तो साथ में चलते चलो अपनी चीज़ें, अपने बच्चों के लिए चीज़ें करते चलो, इकट्ठे करते चलो, वरना फिर एक बार रास्ता पार कर देने के बाद और फिर वापस चाहोगे कि पीछे चल के सारी चीज़ें इकट्ठे कर लें तो बस पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। बस यही कारण है कि हम थोड़ा सतर्क रहते हैं, कुछ भी होता है तो तुरंत ले जाके दिखा लेते हैं और सेफ्टी से चलते हैं और टाइम टाइम पे जाके वैक्सीनेशन टीका ये सब लगवा लेते हैं। और इसके साथ यहाँ हमारी रोटी सेक रही है रात की और थोड़ा सा आज मतलब पूरे दिन आज हम बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए। अब बहुत लोगों का जो इतने बेचैन है कि जल्दी से उनके बेबी हो जाए, कई लोग कहते हैं कि अभी हमारे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि धैर्य रखो। और बहुत लोग ये कहते हैं कि बहुत कुछ ताने सुनने को मिल जाते हैं, तो आप खुद सोचो कि मेरा 5 साल पे हुआ पहला बच्चा तो मुझे क्या क्या सुनने को मिला होगा, 5 साल कोई कम नहीं होता, आप भी समझ सकते हो। तो इसके साथ ही ना मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखा है यहाँ तक अभी 8 साल की जर्नी में कि हमारे पास जो चीज़ जब आनी होती है ना तभी आती है, हम उसके लिए बहुत बेचैन हो जाए ना तो नहीं मिलती है फिर भी। तो मैंने ये तो ज़रूर सीखा है कि हम धैर्य रखना होता है और बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। इसके साथ ही दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ से वो ये कि जब जो चीज़ मिल रहा है उसको बटोर दे चलो और थोड़ा चौकन्ने रहो, ध्यान से देखो चारों तरफ, और क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ समेटना है, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलो और मौका ही मौका है, ऊपर वाला मौका ही मौका देता है सामने, बस थोड़ा सा हमें ना आँख खोल के देखने की ज़रूरत होती है। और आँख बंद करके सोचोगे कि चलते चले चलते चले तो ऐसे नहीं होता है, फिर कल को खड़े होके आँखें खोल के और फिर कहोगे कि अब हम कैसे करें क्या करें, तो ऐसे नहीं चलता है। तो बस 2-3 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ से ज़रूर सीखी है जो मैं आपको भी बोलूँगी कि आप भी, एक तो बच्चे के लिए धैर्य रखो, इतने परेशान मत हो जाओ क्योंकि मुझे भी 5-7 साल बाद जाके अनमोल का निकाह हुए हैं, तो आपके भी हो जाएंगे। और मैं सभी के लिए यही प्रे करूँगी कि जो भी ऐसे बेचैन, मैं कितना बेचैन हुई थी ना वो आप लोग सोच सकते हो, 5 साल उसमें एक मिसकैरेज और ये सब, तो मैं तो आप लोगों को भी यही सलाह दूँगी कि पूरी तरह से धैर्य रखो और जो चीज़ें भाग्य में जब आनी होती है वो समय आ ही जाती हैं, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको जब तक चीज़ें नहीं मिलती हैं ना थोड़ा सा धैर्य रखना होता है।
एक बात और ध्यान रखना कि लोग कह देते हैं ना कि ये तुम्हें नहीं मिलने वाला, ज़्यादा सपने मत देखो, ज़्यादा मत उड़ो। मैं तो कहूँगी कि सपने देखो, क्योंकि जब सपने हम देखते हैं ना तभी सपने पूरे भी होते हैं। और थोड़ा सा घर वगैरह में कंस्ट्रक्शन के काम कुछ थोड़े बहुत भी लगते हैं ना, तो वो मशीनें चलती हैं डर डर, और फिर उसके बाद उस आवाज़ में भी काम नहीं हो पाता है, और कुछ ऐसे ही थोड़ा सा आज का दिन अस्त व्यस्त रह गया। लेकिन कोई नहीं। और एक और क्वेश्चन था जिसका मुझे बनाना था, कि बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि आपकी शादी जो है वो लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। कई लोग जो हमें कंटिन्यू देख रहे होंगे, उन्होंने हमारे व्लॉग देखे होंगे तो फोटोज से तो समझ गए होंगे कि क्या है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता है, और कई लोग नए जुड़े हैं और उनको हमारा, मेरा और डीजे का रिलेशन दिखने से ऐसा लगता है कि हम लव मैरिज कपल हैं। तो सबका डाउट क्लियर करेंगे लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। और इसके साथ ही मैं यहाँ से, लेकिन आप पता है हमारे पुराने वीडियोस देखोगे ना जा कर के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। और ये मैंने रोटी फटाफट फटाफट सेकना शुरू कर दिया, एक हाथ में कैमरा लेकर के एक हाथ से काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन बस इसलिए कर रही थी क्योंकि आज मुझे पता है कि मैंने आज कुछ भी शूट नहीं किया। शाम में मम्मी ने प्लान किया कि कल चले जाना करें अनमोल को टीका लगाने और आज कनिका को दिखा लो, बट मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं जान रही थी ना कि मैंने कुछ आज शूट ही नहीं किया है, कर ही नहीं पाई हूँ। अगर कल भी मैं यही करूँगी और इस एक काम में जो कि मैं एक साथ कर सकती थी उसको मैं दो बार में डिवाइड करूँगी, तो फिर ये तो वही बात हो जाएगा ना कि कोई काम है नहीं, तो बस उसी को कहते हैं ना, ई कोठी का धान ऊ कोठी में करना, वही हाल हो जाएगा। इसलिए मेरा फंडा ये है कि एक बार एक काम है तो उसको जैसे भी करके कंप्लीट कर लो। और सेफ्टी से ही क्या, हमने पहले मैं लेके चली गई थी अनमोल, ये कनिका को हॉस्पिटल, और फिर पापा वहाँ पे नंबर लगा दिए थे, और फिर वापस घर आकर मम्मी को ले गए थे, और फिर हमारा दोनों काम हो गया, मतलब अनमोल और कनिका का दोनों का काम हो गया। इसके साथ ही रात का खाना पीना भी हमारा हो चुका है। और आप कौन से वाले हो, ई कोठी का धान ऊ कोठी करने वाले हो, या आपको भी ऐसा लगता है कि जो काम सामने है उसको फटाक से कंप्लीट कर दे ताकि कल के लिए नया काम रहे ना, कुछ नया काम करे, बाकी के अलग काम करे। एक ही काम में मुझे नहीं पसंद है झूमर कूटते रहना। और इसके साथ ही ये मुझे आज का मास्टरपीस अपना बनाया हुआ बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा, और कल हम करेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे और भी बहुत सारे काम। और कल के लिए मैंने बहुत कुछ प्लान किया है, बहुत कुछ शूट करना है। आज तो कुछ नहीं खास हो पाया लेकिन ये वाला बहुत खास हुआ है, जो कि आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी तो इससे नज़र ही नहीं हट रही थी। और इसके साथ ही चलते हैं, सोते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल हम बहुत सारा अच्छा अच्छा काम कर पाएंगे। मैं ये नहीं सपने देख के सोती हूँ ना कि कल हमारा कोई कुछ मतलब बहुत बड़ा लॉटरी लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, मैं ये सोच के सोती हूँ कि कल मुझे क्या क्या करना है, और उम्मीद करती हूँ कि कल मैं आज से ज़्यादा कुछ कर पाऊँ, क्योंकि करेंगे तभी तो कुछ फल मिलेगा या कुछ होगा। और बस बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाएंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो बस काम का प्लानिंग करना चाहिए कि हमें कल क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्या हमें मिलना है क्या नहीं मिलना है वो तो सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। और आज हमारे घर में बनी थी कैरी गुंदे की सब्ज़ी, और सब्ज़ी मम्मी ने बनाई थी कैरी गुंदे की। तो ये सब्ज़ी ऐसा है ना कि एक बार बन जाता है तो ये अचार की तरह एक तरह से रहता है, दो तीन दिनों तक तो चल जाता है, बट अगर कम है, इतना ज़्यादा तो नहीं कम है, तो सुबह से शाम तक तो चली जाता है। और मैं जाती हूँ खाती हूँ कैरी गुंदे की सब्ज़ी, और इसके साथ मुझे रोटी, मतलब मुझे तो इसके साथ कितनी भी रोटी दे तो मुझे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सच बताऊँ तो। और ये ना पेट के लिए भी सुनते हैं कि अच्छा रहता है, तो मैं तो आज 5 रोटियाँ खाने वाली हूँ। आप लोग कितनी रोटियाँ खा लेते हो एक बार में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी पसंद की सब्ज़ी हो तो मैं उससे 5-6 रोटियाँ खा जाती हूँ, पसंद की ना हो तो मैं 3 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती हूँ, इतना 3 तो खाती हूँ, लेकिन जब मैं कम खाऊंगी ना तो मेरे पेट में ऐसा लगता है कि चूहे कूद रहे हैं। भले मेरे पसंद की चीज़ हो या ना हो, मैं इतना खा लेती हूँ कि मेरे पेट में चूहे ना कूदे उसके बाद। और मेरी गोद में कनिका भी है, मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये रही हमारी लड्डू। और आज अनमोल ने जो वो सारा खिलौना बिखेरा था ना, उसमें से कनिका के लिए भी एक खिलौना निकल गया, जो कि कनिका लेके मुंह में ऐसे चाट रही हैं। और हो गया सारा कुछ, अब हम लोग सो जाते हैं। और रात में मैं सोच रही थी कि मैं कुछ वीडियोस बना लूँ क्या, या कुछ मतलब जो प्लान किया है वो सब कर लूँ क्या, और कुछ क्वेश्चन के आंसर है वो भी बना लूँ क्या, लेकिन नहीं, फिर लगा कि नहीं आज सो जाते हैं और कल के लिए प्लान कर लेते हैं कि कल बहुत सारा कुछ करेंगे। तो ठीक है, अभी दिखाती हूँ। मेरे रूम में आपने देखा होगा कि कपड़े भी आज बिखरे हुए हैं, आज कुछ हो ही नहीं पाया। जब अनमोल कनिका एक साथ हो तो कुछ समेटा नहीं जा सकता है, बल्कि और बिखेरा ही जा सकता है।